वेलकम इन स्टार डिजिटल क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबको पता चल गया, सबने वो वीडियो देख रखा है, सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या है, सबने देख लिया और सबको समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम थोड़े से अगले लेवल के अंदर आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए कोई भी चीज़ हम सीखते तो हैं, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक उस चीज़ को सीखने का हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। इसीलिए तो ये कहा होता है कि प्रैक्टिस इज मैक्स परफेक्ट मैन, यानी कि प्रैक्टिस जो आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही आप परफेक्ट बनते जाओगे। तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब पढ़ी थी और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी हमने सब्जेक्ट के बारे में ली थी, वर्ब के बारे में ली थी और ऑब्जेक्ट के बारे में ली थी। सब्जेक्ट सबको पता है क्या होती है। अब इसकी जो मैंने कल बताया था आपको कि जो वर्ब होती है वो टू टाइप से होती है, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। अब यहाँ पे हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, तो जब इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या तो एस या ई एस लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एस या ई एस कब लगाते हैं, जब क्या हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ई एस लगाते, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। और ई एस कब लगता है, तो वर्ब के अंत में क्या हो, वर्ब के अंत में जब क्या हो, ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, ये कुछ वर्ड्स हो, तो क्या लगाते थे हम वर्ब में एस की जगह ई एस लगाते हैं और बाकी सभी वर्ब को सिंगुलर रखने के लिए क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे देखो एग्जांपल भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे गो वी वन है, अब इसको वी फाइव बनाएंगे यानी इसको सिंगुलर में लेके जाएंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि ना सिंगुलर के लिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आती है, और प्लूरल जब प्लूरल सब्जेक्ट अपना होता है तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आती है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, बताया था कल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। अब इसको हम सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें एस या ई एस लगा देंगे, तो गो है, अब इसमें ई एस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये हमारा रूल है कि ई एस कब लगता है, जब वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो और डबल एस हो, तब हमारा क्या लगता है, गो वर्ब है यानी जाना, इसमें ओ लास्ट में आ रहा है तो हम क्या लग जाएगा, गोज लग जाएगा। जैसे टीच है, टीच, इसके लिए क्या लग जाएगा, टीचेज, क्या लग जाएगा, टीचेज, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। जैसे मैं एक दूसरी वर्ब लेता हूँ, जैसे कम, इसमें ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसकी जो सिंगुलर वर्ब बनेगी वो कैसे बनेगी, कम्स बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, जब मेन वर्ब जब सब्जेक्ट अपना क्या हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम ऐसी एस लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट क्या हो, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना हमने सबने पढ़ लिया था कल, सारा इन सभी चीज़ों के बारे में हमने सब पिछले वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं। तो आगे आज हम क्या करेंगे, इनका एग्जाम्पल करते हैं, देखो इसमें ऐसी आई एस जोड़ना है आपको, यानी कि वी वन जोड़नी है और वी फाइव जोड़नी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस। अब देखो, वे बाजार जाते हैं, क्या होगा, वे बाजार जाते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, वे बाजार जाते हैं, क्या बन जाएगा, दे। अब देखो, वे बहुत सारे हैं, थर्ड पर्सन है, वे बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो क्या है ये, प्लूरल नाउन है अपनी, क्या है, प्लूरल नाउन, और प्लूरल के लिए क्या आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब मैंने आपको बताया था, प्लूरल वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। तो दे गो टू मार्केट बना। जैसे वह सब्जी खरीदता है, कैसे, वह सब्जी
खरीदता है, तो क्या हो जाएगा, ही खरीदना क्या बोलते हैं, बाय, ही बाय। अब देखो जो ही अपना है वो सिंगुलर है, वह अकेला है यानी कि वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो तो वह भी हमारी क्या आती है, सिंगुलर आती है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप पिछली वीडियो में जाके एक बार वीडियो और देखें, ये मैंने साफ साफ बता रखा है कि अगर सिंगुलर अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वह भी हमारी क्या आती है, और सिंगुलर, और सिंगुलर ये जो वर्ब है इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एस या एस यानी कि वी फाइव, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो इसमें क्या लग जाएगा, ही बाइज क्या, वेजिटेबल्स। ही बाइज वेजिटेबल्स, वह सब्जियां खरीदता है, ठीक है। यानी कि सेंटेंस बन रहे हैं आपके इसी फॉर्मेट से, आपके सारे सेंटेंस बन रहे हैं, जैसे वह कूदता है, वह खेलता है, वह तैरता है, वह नहाता है, वह जाता है, वह खाता है, तो सारे बन जाएंगे। जैसे ही ईट्स, वह खाता है, वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलता है, वे जाते हैं तो दे गो, वे जाते हैं। अब देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कल, क्या होता है कि ये जो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, अब इसी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, डब्ल्यू एच क्वेश्चन करोगे, जैसे ही ईट्स क्या, मैंगो, यानी वह क्या खाता है, आम खाता है। ही प्लेज क्या, क्रिकेट, यानी कि वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। दे गो कहां, तो टू जयपुर, कहां तो टू जयपुर, यानी वे कहां जाते हैं, जयपुर जाते हैं। यानी सेंटेंस, आप सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हो, घर बैठे आप वीडियो देखो, आप अच्छे से पढ़ो उनको और थोड़ा सा माइंड में सेट कर लो, तो आप पूरी अंग्रेजी मतलब धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या, दे गो टू जयपुर यानी वे बाजार जाते हैं, वह आते हैं, वह जयपुर से आते हैं, तो दे कम फ्रॉम जयपुर, यानी कि आप इसी एक फॉर्मेट से जो इंग्लिश है उसका जो इंग्लिश का जो शुरुआती है वो आप बोल रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब देखो आगे क्या होता है, अब मैंने बोला ये तो है अपने पास सेंटेंस, अब मैं इसके अंदर क्या जोड़ दूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ दूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ दूं, तो मैं बोलूं जैसे वह दौड़ने के लिए कुचामन, वह दौड़ने के लिए कुचामन जाता है, वह दौड़ने के लिए कहां जाता है, कुचामन जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही दौड़ने के लिए, क्या लिखा है मैंने यहां पे, दौड़ने के लिए और जाता है, यानी कि हमारे पास कितनी वर्ब है, दो वर्ब है, एक तो जाना और एक क्या है, दौड़ना। बोलो दो वर्ब हुई कि नहीं हुई हमारे पास, एक तो जाना एक दौड़ना। अब बताओ मुझे पहले जाएगा या पहले दौड़ेगा, पहले दौड़ के जाएगा या पहले जाएगा वहां पे जाके दौड़ेगा, या पहले ये जाएगा या पहले ये दौड़ेगा, तो वह दौड़ने के लिए कुचामन जाता है, यानी कि सीधा सीधा इसमें दिख रहा है कि वह कहां जाता है, कुचामन, किसके लिए, दौड़ने के लिए। तो पहले काम क्या कर रहा है, ये जाने का काम कर रहा है, पहले जाएगा वहां पे तभी तो दौड़ेगा ना, पहले थोड़ी दौड़ लेगा, वहां पे जाएगा फिर दौड़ेगा। तो यानी हमारे पास वर्ब कितनी है, दो वर्ब, कितनी वर्ब है, दो वर्ब, यानी एक तो जाना एक दौड़ना। तो पहले जो वर्ब डन हो रहा है, पहले क्या काम कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है, तो ये तो आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद में, पहले ये ही है, ही जाने का काम कर रहा है, कहां पे, कुचामन जाने का काम कर रहा है, तो कुचामन जाएगा उसके बाद में दौड़ेगा, तो जाना, जाना किसके साथ में आ जाएगी, ही के साथ में आ जाएगी, तो पहले ये डाल दो, ही गोज टू कुचामन, यानी वह कुचामन जाता है। अब किसके लिए, के लिए, किसके लिए, तो दौड़ने के लिए, यानी अपनी जो दौड़ना दूसरी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, दूसरी वर्ब, और दो वर्ब को जोड़ने के लिए जो बैक टू बैक हो, यानी कि एक वर्ब दूसरे के ऊपर क्या हो, डिपेंड करती हो, यानी कि वह दौड़ने के लिए कुचामन जाता है, यानी वो काम क्या करना जा रहा है, दौड़ने के लिए जा रहा है। तो यानी कि दो वर्ब एक साथ आ रही है, तो वो किससे जुड़ेगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया है कि सब्जेक्ट आ गई, फिर वर्ब आ गई, वी वन वी फाइव, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, फिर टू आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यानी कि जो दूसरा काम हो रहा है वो बाद में किसके साथ, किसके बाद में आएगा,
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में, तो ही गोज टू कुचामन टू रन, यानी कि वह दौड़ने के लिए कहाँ जाता है, कुचामन जाता है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो वर्ब थी, एक तो गोज यानी जाना और एक रन यानी दौड़ना, यानी ये टू से जुड़ रही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ रही है, यानी कि ये ऐसा है कि आप नोट कर लीजिए कि ये टू है ना, ये इसको बोलते हैं अब इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब आपको सबको बताया क्या होता है, अनंत, यानी इस टू को लगा के इस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जोड़ते जाओ टू, इसके बाद में प्लस और टू, प्लस टू प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यह होनी क्या चाहिए, ये सारी वर्ब इन्हीं के ऊपर क्या होनी चाहिए, डिपेंड करनी चाहिए, निर्भर करनी चाहिए। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं चाय बनाता हूँ तो आई मैक, मैं चाय बनाता हूँ आई मैक टी, मैं चाय बनाता हूँ किसके लिए, तो पीने के लिए, तो टू ड्रिंक, मैं चाय बनाता हूँ पीने के लिए, तो मेहमानों के लिए, पीने के लिए मेहमानों के लिए, तो टू, मतलब मैं चाय बनाता हूँ पीने के लिए, मेहमानों को परोसने के लिए, तो टू सर्व, टू सर्व द गेस्ट, टू सर्व द गेस्ट यानी मेहमानों को परोसने के लिए। क्यों उनको परोसी जाती है चाय, क्योंकि वो क्या हो जाए, खुश हो जाए, तो उनको क्या खुश करने के लिए, तो टू मैक दैम, तो टू मैक दैम हैप्पी यानी उनको खुश करने के लिए। अब देखो आराम से देखो इस कंसेप्ट को, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, यानी दो वर्ब को जोड़ने के लिए, जैसे दो वर्ब को जोड़ने के लिए यहाँ पे आई मैक टी, में चाय, मैं चाय बनाता हूँ किसके लिए, तो टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, तो टू सर्व द गेस्ट यानी कि उनको मेहमानों को परोसने के लिए, तो टू मैक दैम हैप्पी यानी उनको खुश करने के लिए। यानी मैं क्या बनाता हूँ, चाय को बनाता हूँ किसके लिए, मेहमानों के लिए, उनको परोसने के लिए, उनको खुश करने के लिए। तो यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है कि टू लगा लगा के हम कितनी भी वर्ब आगे जोड़ सकते हैं। तो ये टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी के आगे हम कितनी भी वर्ब जोड़ सकते हैं। तो आप आगे भी आज कोशिश करिएगा कि ये टू लगा लगा के जितने भी आपसे सेंटेंस बन जाए आप बनाने की घर पर कोशिश करिएगा, इससे हम आगे के जो आगे जो कंसेप्ट है उस पे आगे बढ़ सकें। ये पीछे का अगर कंसेप्ट आपके क्लियर होता जाएगा तो आगे वाले कंसेप्ट आपके धीरे धीरे सारे समझ में आने लग जाएंगे। तो जैसे वह दौड़ने के लिए कुछ हम जाते हैं, वैसे आप भी बना सकते हो। जैसे मैं खेलने के लिए ग्राउंड में जाता हूँ, मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार में जाता हूँ, मैं पूजा करने के लिए मंदिर में जाता हूँ, मैं कहाँ मिठाई खरीदने के लिए मिठाई की दुकान पर जाता हूँ, या मैं सिनेमा देखने के लिए कहाँ जाता हूँ, कहीं भी जयपुर जाता हूँ, मैं घूमने के लिए दिल्ली जाता हूँ, मैं क्रिकेट देखने के लिए बैंगलोर जाता हूँ, मैं अमरनाथ की यात्रा के लिए कहाँ जाता हूँ, वैष्णो देवी जाता हूँ। यानी कि आप के लिए के सेंस में आप कितने भी सेंटेंस आगे बना सकते हो। अब देखो दोस्तों ये के लिए ना, के लिए जब भी काम में आएगा आपके, उसके बाद में टू के बाद में क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तभी ये के लिए के सेंस में, के लिए के सेंस में आपके तभी आएगा जब टू के बाद में क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और जो पहली वर्ब है वो दूसरे वर्ब के ऊपर क्या होनी चाहिए, निर्भर होनी चाहिए। यानी ये काम के बाद में दूसरा काम होना चाहिए, तभी आपके ये कंसेप्ट काम करेगा। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप अपने अमल में लाइए और अपने घर पर कोशिश करिएगा कि आप सारे ये सेंटेंस बना सकें। धन्यवाद, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।